Mama ji! Oh mama! Arey mama! अबे चुस्से पुलिस वाले को मामा कहता है ऐसा गर्ल घुमा के ऑर्बिट में फेंकूंगी ना जिंदगी भर वापस ना आएगा अरे मैं तो अपने मामा को ढूंढ रहा हूँ सिटी मार के तो थारा मामा लापता हो गया है नहीं मामा का यही पता है सिटी मार के तो कोई चोर उचक्का है जिससे मिलने आया तू नहीं हवलदार है सिटी मार के और रंगीले तू मामा जी करी पहले सिटी मार के ठीक है ठीक है ठीक है मैडम जी मेरा भांजा जी ओए मां यो कार्टून यो कार्टून थारा भांजा है हां जी अरे अपने रिश्तेदारों को पुलिस स्टेशन से दूर रखा कर हमारी भी कुछ रेपुटेशन है बाहर और इसने खाना खिला चल है मस्त शर्मनी आती बता कैसे लिया है यहां पे अरे वो क्या है ना मामा जी एक पंगा हो गया है सिटी मार के मारा किसी को हां कैसे आठ से सीटी मार के पर कैसे अरे मामा जी क्या है ना कि हमारे मोहल्ले में एक मस्त भाभी रहती है तो मैंने ना उसको छेड़ दिया सीटी मार के अब उसका पति पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने की धमकी दे रहा है सीटी मार के तेरा मतलब ये है अब मैं तुम्हें बचाऊं तो फिर और नहीं तो क्या आपको आपकी बहन की कसम है सीटी मार के बहन की लड़की छेड़ता है अपने मामा का नाम खराब करता है तुम्हें शर्म नहीं आती अरे मामा उसमें मारते क्यों सिटी मार के आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपके जमाने में आपने तो कभी सिटी मारी ही नहीं हाँ मारी थी एक बार तो फिर अभी अपुन को भी बचा लो बस अपुन को बचाना पड़ेगा ठीक है ठीक है ठीक है उसको आने दे रिपोर्ट लिखवाने के लिए मैं कुछ करता हूँ क्या नाम है उसका अरे वो बंतो का पति पप्पू सहानी सिटी मार के गप्पू हाँ पप्पू लात मारते अरे कोई बात नहीं गप्पू आज तुझे यहाँ गवाही देनी है कि मेरी बीवी को वो रंगीला छेड़ता है सिटी मार के पप्पू मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता तू तो मेरा नेचर जानता है गप्पू मेरी बीवी बन तो तेरी कौन है बीवी भाभी ये सोच ले तेरी भाभी को वो रावण छेड़ता है पप्पू चिंता मत कर हनुमान बनकर उसकी लंका में मैं आग लगा दूंगा तू तो मेरा नेचर जानता है बस आज इस कानून की कोठरी में आग लगा दे आजा हाँ एक्सक्यूज मी सर बिहेव योरसेल्फ ए कौन है बेटू सी आई एम गप्पू चावला एंड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड पप्पू सहानी वी वांट टू कंप्लेंट लिखवानी बाय अरे व्हाई यू हैव नो वर्क क्यों आते हो यहां पे कराने अपना बेड़ा कर देखो गो होम एंड गो टू स्लीप Writing FIR is like troubled water deep. Don't. Go. सुन कप्पू, बहुत अंग्रेजी बोल रहा है तू तू ही बात करना तो मैं ही तो बोल रहा हूँ ना हाँ यू नो माई नेचर भैया रे सर वी डिसाइड लास्ट इतवार के वी वांट टू राइट FIR अच्छा अच्छा बोलो बोलो टेल टेल गो टू हेल सर स्टोरी इज लाइक दिस के ही इज हैविंग ब्यूटीफुल वाइफ शी इज वेयरिंग कुर्ता पायजामा डिल्ला डिल्ला वन मवाली नेम रंगीला When she's going for jogging PT, then Mawali is marring CT. Oh. Now tell what to do. ना मैं घनी देर से देख रही हूँ कि भोजपुरी फिल्म की अंग्रेजी में डबिंग हो रही है. क्या तकलीफ है? See madam, problem is like this. कि this guy. मैं भारतीय नारी हूँ. मारे से ज़्यादा गिटपिट अंग्रेजी ना बोल. हिंदी में बात करो ना मुँह में गंदा ठोक दूँगी. इसकी वाइफ को कोई आदमी छेड़ रहा है. ना तो बीवी इसकी. ना छेड़ कोई और रहा है. अरे तू क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है मैडम मैं मेन गवाह हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा है कानों से सुना है कि वो मवाली इसकी बीवी को सीटी मार रहा था मैडम क्या है कि एक आदमी रंगीला नाम का मेरी बीवी बंतो को सीटी मार के छेड़ता है मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी FIR लिखाऊं और आप उसे फौरन हवालात में बंद कर दें तो यो बात है देख तुम्हारी शरण में आ गया है तेरा कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे बाहर दो हवलदार बैठे हैं गोपी एक गुलगुले उनके पास जाओ अपनी रिपोर्ट निकालो चलो निकलो चल गप्पू आ जा हाँ तू जा अरे ना तू जा ना आप तो मेरा नेचर जानती है ये गोपी लड़की का नाम है बड़कू है कंफ्यूजन क्या हो रहा है आपके समाज में चौटाला साहब खुलेआम लड़के लड़कियों को सीटी मार रहे हैं ना तो तू क्या चाह रहा है लड़कियां लड़कों को सीटी मारे मैं मारूं तन्ने सिटी नहीं नहीं आप ऐसा कष्ट क्यों कर रही हैं आइए बैठिए ना मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ हाय मारा ब्रह्मचारी अच्छा तू है वो पप्पू सानी जिसकी बीवी को रंगीला छेड़ता सिटी मार के
अरे आपको कैसे पता लगा? मैं अखबार में आ गया भाई। वो अखबार में भी आ गया? अखबार में आ गया, कितनी बदनामी हो गई, इसीलिए मैं बंतों को यहाँ नहीं लाया। वो तो है, एक बार औरत की इज्जत मार्केट में उछल जाए फिर तो। अरे पप्पू तू क्यों टेंशन लेता है, अगर भाभी का नाम पेपर में आ गया तो अच्छा ही है ना। अरे भाभी को ज्यादा सिंपथी मिलेगी, तू तो मेरा नेचर जानता है। अरे छोड़ यार। अच्छा आप ये लिखिए कि मेरी बीवी बंतो को रंगीला सीटी मारकर छेड़ता है। तब जब वो जॉगिंग के लिए निकलती है बिल्कुल मेरी दुकान के सामने से, आहा क्या नजारा होता है, मेरी आंखों को ठंडक मिलती है। जब वो जॉगिंग करती है पिंक कलर के जॉगिंग ड्रेस में, आहा क्या नजारा होता है, गाल लाल लाल, चेहरा पसीने से लथपथ और बाल बिखरे हुए और होठ तो ओए क्या हुआ, हाफती है हाफती। ओ भाई साहब आप पागल हैं क्या, ये आदमी आपकी बीवी को यूं घूर घूर के देखता है, आपको नहीं लगता इसी ने आपकी बीवी को छेड़ा होगा? गप्पू तू ये बता मेरी बीवी तेरी क्या लगती है? बीवी भाभी याद रखा करना यार। वो सब छोड़, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रंगीला भाभी को सीटी मारता है। सीटी क्या तुम्हें याद है सीटी किस टाइप की थी? बता। पर आप लोग तो मेरा नेचर जानते हो, टोटली सिगरेट की थी। हाँ तो रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। कोकी 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 तूने आवाज लगाई, देख मैं चली आई। कोकी कंट्रोल कंट्रोल, कोकी हमारा 2-in-1 लेकर आओ जिससे हम वो सीटें रिकॉर्ड करें जिससे इनकी बीवी छिड़ी। नहीं रिकॉर्ड करना है भाई, बिल्कुल बंतो भाभी जैसे दिखती है। आप लोग तो मेरा नेचर जानते हो ना। क्या कर रहा है? रेकी। काश मैं हवलदार होता। यार दवा आराम से। ये मालिश मालिश छोड़िए, उस मुद्दे पे बात करिए जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं। हाँ तो बजाओ ना सीटी, यहाँ बाजा लाके काहे के लिए रखा है, बजाओ सीटी रिकॉर्ड करेंगे ना। हाँ हाँ एक मिनट आप लोग तो मेरा नेचर जानते हो, एक मिनट मुझे याद करने दीजिए। हाँ देखो नहीं यार ठीक से याद नहीं आ रही कि वो सीटी कैसी थी। ओहो कहीं ऐसी तो नहीं थी? नहीं नहीं ऐसी नहीं थी। तो फिर ऐसी होगी? बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अबे यार तो फिर ऐसी होगी ना। ओ विसल किंग, बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की सीटियां बजानी आती हैं तने तो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मिस चौटाला, हम पुलिस वाले हैं, हमें हमारा काम पता होना चाहिए कि कैसे लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। वैसे और भी कई तरीके हैं, जैसे कि ए चिकनी चलती क्या 9 से 12, आना पलट मेरी जान, अरे देख तो उसकी चाल, लचकती हुई तेरा कमर, तेरे सुनहरे बाल। अरे बस 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 तू तो बिल्कुल ही मारी बिरादरी का लग रहा है। एक मिनट कुछ कुछ ऐसी थी। अरे याद आ गया ना आपको, याद आ गया ना, तो रिकॉर्ड करो आप सीटी बजाइए, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड ऑन। हाँ एक मिनट Stop, मिल गए। शाबाश, तो भाई सिट्टी की जो रिकॉर्डिंग है वो तो हो गई है। बेटा गोपी जाके मोहल्ले से 2-3 जो छेड़ू है ना उन सबको धर ला और उनसे सिट्टी बजवा, जिसकी सिट्टी और सिट्टी से मैच हो जाए वही है क्रिमिनल। लेकिन मैडम छेड़ू लोग को बुलाने की क्या जरूरत है, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था कि रंगीला सीटी बजा रहा था। बात सुनो, जरूरी नहीं होता जो आपको दिखाई दे वो बात सचो। और क्या, कोई बेचारा गरीब आदमी सड़क पे खड़ा है यूं तो तुमको लगा वो सीटी बजा रहा है? अरे भाई हो सकता है उसको होठों पे किसी मच्छर ने काट लिया हो और होठ सूज गए हो, या फिर वो हिमेश रेशमिया का गाना भी गा रहा हो सकता है। अरे सॉरी एरिया साहब, आपको जैसे तफ्तीश करनी है करिए, लेकिन प्लीज ये बात कहीं फैलनी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है जा शोर ना मचा। और तू रेकी कर दरिया में डाल। हाँ मैडम। हाँ बाकी आप लोग मेरा नेचर जानते हो। चल चलते हैं, यहाँ तो मालिश वालिश चल रही है। अब सीटी कांड के बाद आया है सीटी कांड, कैसे बचती हैं सीटियां और कैसे छिड़ती हैं लड़कियां। आप रहे ना बेखबर, देखते रहें बंतों की सीटी।
इस वक्त हमारे साथ वो शख्स है जिनकी पत्नी यानी बंतो को एक लड़का सीटी मारता है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? पप्पू साहनी। आप तो मेरे नेचर जानते हैं, मैं हूँ इनका दोस्त गप्पू चाऊ। आपकी पत्नी को छेड़ता है कोई? जी। कैसा लग रहा है आपको? जी मतलब क्या महसूस होता है आपको? अरे ऐसा लगता है कि बहुत गुस्सा आता होगा, बहुत मन करता है उसे जान से मार दूं। जी वक्त पड़ने पर आप जान से मार भी सकते हैं। हाँ मैं उसे मार दूंगा। आप देख लीजिए इस शख्स को, ये कल का हत्यारा है। ये आपके समाज में, आपके घर में खुलेआम एक हत्यारा घूम रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों ना हो, जिसकी पत्नी को इतना छेड़ा जाएगा वो हत्यारा क्यों ना बने? देखिए आप हमारी बात ठीक से पहुंचा नहीं रहे हैं। आप पत्रकार हैं या हम? देखिए आप मेरा नेचर नहीं जानते हैं, मैं इस केस का मेन गवाह हूँ। आपने मेरे इंटरव्यू तो लिया नहीं। आप गवाह हैं, आपका हम इंटरव्यू लेते रहेंगे क्योंकि आप तो पुलिस स्टेशन आते रहेंगे। क्या? देखिए मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं इस केस का मेन गवाह हूँ। अगर मेरे हेलो देखिए मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं बोलता हूँ मैं आपको। अरे तू तो मेरा नेचर जानता है। अरे बाहर में जा तेरा नेचर, आप तो मेरा नेचर जानते हो। हेलो सर, एक्सक्यूज मी। ओ आएगा ओ। अरे यार क्या है यार, ये लोग रोज यहाँ पे बुलाते हैं और बिठा के रखते हैं। तू तो मेरा नेचर जानता है। फिर ये बता कि मेरी बीवी बन तो तेरी कौन लगती है? बीवी है? भाभी, भाभी के लिए कब से इतना दुख है यार, थोड़ी देर बैठ जाओ। ए अप्पू चप्पू, हम मोहल्ले के 3-4 फेमस छेड़ुओं को लेकर आए हैं, चलो उनकी सीटी की शनाख्त कर लो। ओ आप केस सॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम थूकिए तो ना। ये थूका कौन बे? अरे आपने थूका। अरे लेकिन शनाख्त करने की कोई जरूरत नहीं ना, मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुना है कि वो रंगीला सीटी बजा रहा था। हमको हमारा काम सिखाएगा, चलो शनाख्त कर। आप तो मेरा नेचर जानते हो। कोऑपरेटिव है, चलता हूँ ना मैं। चलो सर, ये लोग शनाख्त करने के लिए तैयार हैं सर। सॉरी सर। हाँ भाई शुरू हो जाओ, एक एक करके सीटी बजाओ। पहले लड़की को तो बुलाओ। अबे तेरी। ओए माँ। अरे अरे भड़क के रहा है। अरे लड़की सामने होगी तभी तो फीलिंग आएगी, मुंह से सीटी निकलेगी। हाँ फीलिंग फीलिंग। बेटा कोकी। यस मैडम। लो छोरी सामने, बेटा चलो शर्मा के दिखाओ। यस मैडम। अरे इसको तो देख के कुकर भी सीटी नहीं बजाएगा। बैठ। हाँ मिस चौटाला, मैं इन गुंडों की बातों से सहमत हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप यहाँ पे चल के दिखाइए लड़की की तरह। लड़की की तरह मतलब? मतलब लड़की बनकर अपने को जलवे दिखाइए हमें। ओहो जलवे देखने हैं तने। हाँ देख बेटा मैं तने कैसे जलवे। कहाँ गई वो? गुम है कहीं मेरी निलिया, कल रात से आए न जाने, सोचो रपट लिखाने जाऊं मैं कौन से ठिकाने। एक सुक बनवा में वो एक अजब सी दे गया, जुल्मी है सजना मेरा दिल चुरा के ले। ये तो सरने में जाई है। अरे अरे मैं आता यार, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ भाई गोपी, इन सब की सीटियां रिकॉर्ड करके फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज दे, तब तक मैं थारे थानेदार का टेस्ट लेके आती हूँ। हनुमान प्रसाद पांडे, कहाँ फंसा दिया तूने मेरे को? तबला दिया है बजा नहीं सकता हूँ, झरने के नीचे खड़ा करा दिया नहा नहीं सकता हूँ, क्या लगती है यार। बक्कन सिंह अपने चंद्रमुखी, मेरे से और कंट्रोल नहीं होता, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। मैं तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों में समाना चाहता हूँ। अरे ब्रह्मचार्य मेरा गया भाड़ में, तेरा डांस देखकर हो गई मेरी तू तू मैं। आ जा तू मेरे प्यार के। सर ये आपने क्या किया सर? अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? सर आपने मुझे कई मुझे करे लायक नहीं छोड़ा सर, आप इस तरह मेरी इज्जत के साथ। ओए माँ। सर मैं तो आपको यहाँ पर ये सीटी वाली कैसेट देने आया था सर। सर आप वो क्या कर रहे थे सर? वो आगोश में ले ले और क्या? अबे क्या हो गया? क्या हो गया? जाओ सर जाओ। ओए इधर आ, इधर आ। फिर से सर। इधर आ यार। कहिए सर क्या हुआ? इसके बारे में किसी को पता नहीं रखना चाहिए ठीक है? अरे सर मैं तो खुद भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। अबे कितना जा रहा हूँ सर।
अरे भाई देख अरे हमारी तो शक्ल में ही प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ ना हो सके। ए मामा, कोई पंगा बंगा तो नहीं होगा ना सिटी मार के? ओए तू चिंता मत कर, गवाह को ऐसा घुमाऊंगा वो दोबारा गवाही नहीं देगा। तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया है सिटी मार के? यार सलमान को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाते हैं? क्यों? टाइम पास। नमस्कार, हमारे साथ है सीनियर हवलदार गोपी जो ब्यूटी को सिटी केस में खुलासा करने वाले हैं। नमस्कार गोपी जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ब्यूटी को सिटी किसने मारी? जांच के नतीजा निकला? नतीजा? हाँ। किस बेस पे जांच की गई है? जांच सिटी पे। बजा के दिखाएंगे आपने कैसी कैसी सिटियां भेजी हैं जांच के लिए। ओ या। तो ये थे सीनियर हवलदार गोपी जिन्होंने अलग अलग तरह की सीटियां जांच के लिए भेजी हैं। बस अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हमारा चाय पानी हो जाएगा। कैमरामैन राजा के साथ आशुतोष कब तक? राजा चल चाय पी गया, बजाओ सीटी बजाओ थोड़ा नीचे। एक्सक्यूज मी सर, ये पुलिस स्टेशन है या मसाज सेंटर? तेरे को लगा दूं काम पे? नहीं, मेरा तो कैटरिंग का है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मैंने आपके पैर भी दबा दिए, अब तो आप कम से कम इस रंगीला को पकड़ लीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक अपू चावला, ये टेप रिकॉर्डर देख रहा है? हाँ। इसके अंदर सारे गुंडे मवालियों की सीटियाँ रिकॉर्डेड हैं जो फोरेंसिक लैब से टेस्ट होके आई हैं। इन्हीं में छिपा हुआ तेरा गुनहगार है, पहचान ले। अरे आप तो मेरा नेचर जानते हैं। लगा भाई टेप। ये है क्या? नहीं ये नहीं है। ये नहीं, ये भी नहीं है। ये आ, ये तो बिल्कुल नहीं है। अबे तेरी। नहीं, नहीं है। ये है क्या फिर? हाँ ये है। इंस्पेक्टर साहब उसे फौरन पकड़ लीजिए, जिसकी भी ये सिटी है मैं दावे से कहता हूँ ये सिटी रंगीला की है। हाँ ठीक है गोपी, किसकी सिटी है भाई? सर सिटी नंबर 4 है गप्पू चावला की। हैं? गप्पू? तू छेड़ता था मेरी बीवी को, इसीलिए तो ये यहाँ गवाही देने आया ताकि इस पे कोई शक ना करे। हाँ। नहीं नहीं पप्पू, यार तू तो मेरा नेचर जानता है, मैं मन तो भाभी को भाभी मानता हूँ। दोस्त? दोस्त मत बोल मुझे, दोस्त के नाम पर तू एक धब्बा है जो किसी भी डिटर्जेंट से नहीं धो सकता। ए बंद करे सांस भोग का ड्रामा। गोपी धर ले इसको अंदर। ओके सर। अरे ठहर जाओ भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? सिटियों के सैंपलों से अगर क्रिमिनल पकड़े जाते तो देश की कब की सिटी बच गई होती। क्रिमिनल कैसे पकड़े जाते हैं ये मैं तने बताती हूँ। आजा भाई बंतो। बंतो भाभी। बंतो बंतो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि पुलिस स्टेशन मत आना, हमारी कितनी बदनामी होगी। हाँ इसीलिए तो बेचारी कितनी औरतें FIR लिखवाने नहीं आती और उसी का फायदा उठाते हैं ये लुचेले फंगे उल्लू के पट्टे। मैडम देखिए, मैं एक शरीफ लड़का हूँ, आप मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही है सीढ़ी बजा के? क्योंकि तुमने मुझे छेड़ा था। गप्पू भैया तो बेचारे मुझे बचा रहे थे और आप लोग इन्हें जेल में बंद कर रहे हो। बहना अब केस बिल्कुल साफ हो गया भाई, वो भी है तेरा भांजा है ना? हाँ सर, इसने मेरी बहुत बेइज्जती खराब की है सर, बहुत बेइज्जती खराब की है, बहुत बेइज्जती खराब की है। चल अब घर चल। घर नहीं, लॉकअप में जाएगा वो। अरे नहीं, अरे नहीं, और वो भी गले में टायर पहन के। चल 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 मामा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं है दोस्त? देख पप्पू, तू तो मेरा नेचर जानता है, ये तो रोज का है। थैंक यू मैडम। अरे ना ना, थैंक यू तो हमें आपका कहना चाहिए, तुमने कितनी बहादुरी दिखाई, मन्ने फोन किया, यहाँ पर आई, गवाही दी। अरे तुम तो औरतों के लिए एक मिसाल हो, जाओ हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, खुश रहो। जा भाई लेके जा अपनी घरवाली ने। बंतो चलो घर चले, अब हम अपनी जिंदगी। अरे जिंदगी की शुरुआत कराएगा। चलो भाई केस तो सॉल्व हो गया है। आप तो मेरा नेचर जानती हो, जब से पुलिस स्टेशन में आपका डांस देखा है तब से दिल में एक प्रश्न उमड़ रहा है, आप सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही डांस करती हो या पर्सनली घर पे भी आती हो? अरे तेरी तो साले। और तू कहाँ जा रहा है मेरे मक्खन सिंह? देखिए मुझे मत पकड़िए, मुझे कुछ कुछ होता है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। पर मैं तो कुंवारी हूँ, मैं स्त्री से दूर हूँ, मैं तेरी आंखों का नूर हूँ। मैं लड़की को नहीं छूता, मैंने कसम खाई है। हाय तेरी अदा देख, मैंने सीटी बजाई है।
Thank you.